हेलो एवरीवन, प्रियास किचन में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक ऐसा डिश बनाने जा रही हूँ जो कि आई थिंक सबको अच्छा लगेगा। मेरी बेटी जो है उसको बहुत आइसक्रीम का शौक है। मुझे लगता है कि 99% बच्चे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। अभी ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग बच्चों को बाहर से तो आइसक्रीम ला के नहीं दे सकते, क्यों ना हम बच्चे के लिए घर में आइसक्रीम बनाए, वो भी बिल्कुल नेचुरल वे से एंड बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से, क्यों ना बनाए। चलिए आज मैं दिखाने आपको जा रही हूँ फ्रूट आइसक्रीम, वो भी घर का बना हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ली हूँ सारे फ्रूट्स। देखिए मैंने सारे में से एक एक करके ले ली हूँ। मेरे पास जो जो फ्रूट्स था मैंने वो फ्रूट्स ले ली हूँ। एप्पल एंड बनाना को हम लोग को बाद में कट करना है, बाकी सारे को हम लोग अभी कट के रेडी कर देंगे। इसके लिए बाउल एंड स्पून की ज़रूरत पड़ेगा। और मेरे पास मिक्स्ड फ्रूट का एसेंस था, मैंने वो भी ले ली हूँ। 1 लीटर दूध, कस्टर्ड पाउडर और शुगर। चलिए इसका पहला प्रोसेस अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दूध को उबालेंगे। देखिए मैंने पैन में दूध को उबालने के लिए रख दूंगी। 1 लीटर ये दूध है, इसको तब तक हमें उबालना है जब तक वो आधा नहीं हो जाए। अभी मैंने दूध को चढ़ा दूंगी। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, एक उबलने आने तक इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तब तक मैं फ्रूट्स को काट के रेडी कर दूंगी। एप्पल एंड बनाना को छोड़ के देखिए मेरे दूध में उबल आ गया है। अभी इस दूध में से हम लोग को थोड़ा सा दूध निकाल के रखना है जो कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। देखिए मैं इसमें निकाल के रख दूंगी और दूध को थोड़ा सा चला लेते हैं, नहीं तो दूध नीचे गिर जाएगा। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आने लगा है। अभी आधा होने तक उसको हम लोग पकने छोड़ देंगे। थोड़ा सा दूध को हम लोग निकाल कर बाउल में रख देंगे जिसमें हम लोग कस्टर्ड मिक्स करके दूध में बाद में यूज़ करेंगे। देखिए मैंने अभी बाउल में दूध को निकाल के रख दी हूँ थोड़ा सा, एंड ये दूध को हम लोग छोड़ देंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाए। देखिए मैं दूध को निकाल के अभी रख दी हूँ, बाकी का दूध को उबालने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं फ्रूट्स को काट के रेडी कर दूंगी। देखिए दूध आधा हो गया है, अभी उबल कर अच्छे से मोटा भी हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया दूध। अभी उसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं 5 स्पून शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें आप और शुगर ऐड कर सकते हैं। उस तरफ मैंने दूध में कस्टर्ड डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड ज़्यादा लगता है। देखिए मैंने कम से कम 6 से 7 स्पून कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ दूध के साथ, और अच्छे से इसको हम लोग को मिक्स करना है। बिल्कुल कस्टर्ड जो है वो मिक्स हो जाना चाहिए दूध के साथ। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, उस कस्टर्ड को एक हाथ में मैं डालूंगी, दूसरे हाथ में मैं चलाऊंगी। इसको छोड़ना नहीं है डालते समय, नहीं तो वो गांठ बन जाएगा। ये हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अभी इसको हम लोग रूम टेम्परेचर होने तक बाहर छोड़ देंगे। देखिए अभी इसमें हम लोग इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने तक, तभी जाके हम लोग इसमें फ्रूट मिक्स करेंगे और दूसरा प्रोसेस इसका शुरू करेंगे। अभी देखिए मेरा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी मैंने इसमें आधा फ्रूट्स को डाल दूंगी, बाकी आधा को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। आधा तो नहीं, 70% फ्रूट्स अभी हम लोग यूज़ कर लेंगे, बाकी
जो 30% फ्रूट्स इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन ये सारे फ्रूट्स का मैंने आधा आधा करके डाल दी हूँ। अनार जाएगा, नाशपाती, ग्रीन एप्पल, मैंने जो जो फ्रूट्स ली थी सारे को मैं डाल दी हूँ इसमें। और केला और एप्पल को मैं काटी नहीं थी, अभी जस्ट काट के मैं डालूँगी इसमें। एप्पल और केला को हम लोग को पहले कट करके नहीं रखना है, क्योंकि वो काला हो जाता है, इसलिए तुरंत काट के तुरंत ही यूज़ करना है। देखिए मैंने केला आधा डाल दी हूँ, बाकी आधे को मैं काट के अलग रख दूँगी। ये बाकी आधे को मैं अभी ऐसे काट के रख दूँगी इसको। एप्पल को भी मैं ऐसे ही कट करके आधा डालूँगी और बाकी आधा को रखूँगी। अगर आपका बच्चे को बिल्कुल मुंह में फ्रूट्स आना पसंद नहीं है तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे फ्रूट्स डाल देना इसके अंदर और मिक्स कर देना अच्छे से। देखिए मैंने सारे फ्रूट्स को इसमें डाल रही हूँ, बाकी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्लेंडर के सहायता में मैं इसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट। बीच बीच में रह रहे के हम लोग को ब्लेंडिंग करना है। देखिए मैं इसमें अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूंगी। देखिए मैंने अच्छे से इसको ब्लेंडिंग कर दी हूँ, ऊपर ऊपर बबल्स आ गया है। ऐसे बबल्स आने तक हम लोग को इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसमें ग्राइंडर यानी मिक्सचर में आप लोग इसको मिक्स कर सकते हैं, और सारे फ्रूट्स को डाल के भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसमें क्या आइसक्रीम बिल्कुल प्लेन आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमारा बीच बीच में फ्रूट्स आएगा मुंह में। देखिए मैंने मिक्स करके घोल को डाल दी, और बाकी जो फ्रूट्स मैंने बचा के रखी थी उसको अभी ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी। देखिए मैंने बाकी का जो फ्रूट्स है इसके ऊपर अच्छे से आधा तो मैंने उसके अंदर डाल दी। जब हम लोग आइसक्रीम एक एक स्पून खाएंगे, एक एक स्पून में कम से कम एक एक दो दो फ्रूट्स आएगा हमारे मुंह में। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दी, थोड़ा सा जो फ्रूट्स है उसको अभी मैं ऊपर गार्निशिंग करूँगी। देखिए मैंने ऊपर उसको और अच्छे से गार्निशिंग कर दूंगी। देख लीजिए आपको अच्छे से इसे गार्निशिंग करके रखना है। देखिए मैंने गार्निशिंग कर, मेरे पास एक चॉकलेट भी था किट कट का, अभी मैं उसको भी क्रश करके थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए मैं क्रश करके आइसक्रीम के ऊपर डाल दूंगी। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तब आप ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। देखिए मैं डाल दे रही हूँ इसको, अभी इसको हम लोग रात भर छोड़ देंगे फ्रीज होने के लिए। कम से कम 5 से 6 घंटा हम लोग इसको फ्रीज होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब वो फ्रीज़र में जाएगा मेरा आइसक्रीम। देखिए अभी मैं रात में मैं इसको फ्रीजर में डाल के छोड़ रही हूँ, सुबह देखते हैं। अभी सुबह हो गया है, चलिए देखते हैं हमारा आइसक्रीम रेडी हुआ है या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम कैसे बना है। देखिए आइसक्रीम मेरा बिल्कुल अच्छे से बन गया है एंड बहुत ही सॉफ्ट बना है आइसक्रीम। अब इसको चलिए सर्व करते हैं। देखिए मैं आपको स्कूप में निकाल कर देख रही हूँ कितना अच्छे से निकल रहा है। देखिए मैंने स्कूप में निकाल के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छे से देखिए निकल रहा है ये आइसक्रीम।
मैंने जो फ्रूट मिक्स की थी बाद में, ये ऐसे बीच बीच में आपको जैसे दिख रहा है वैसे आएगा। आप जब खाएंगे तो एक एक फ्रूट्स आपके मुंह में आएगा। अगर बच्चे आपका नहीं खाते हैं फ्रूट्स, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब मैंने इसको अच्छे से सर्व करती हूँ। मैं आपको खा के बताती हूँ कि आइसक्रीम कैसे बनना है। बाकी का जो बचा हुआ है इसको मैं अभी फ्रीज में रख दूंगी फिर से। देखिए अब आइसक्रीम बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। बहुत ही यम्मी था, आप जरूर इसको ट्राई करना और मुझे बताना। मेरी एक फ्रेंड गीता, जो मेरा ये आमलेट वाला रेसिपी देख के मुझे ट्राई करके भेजी है। थैंक यू सो मच गीता मेरे रेसिपी देख के ट्राई करने के लिए।